हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शशी ब्लॉग्स फ्रेंड्स आज के ऑटोमोबाइल बेसिक इंट्रोडक्शन के ये थर्ड क्लासेस है जिसमें हम लोगों ने पिछले दो क्लासों में ये देखा था कि ऑटो मोबाइल क्या है और ऑटो मोबाइल के कितने भागों में बताया गया है उसके कितने भागों है वो सब देखे थे तो क्या है था ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल दो शब्द से मिलके बना था ऑटो और मोबाइल ऑटो का अर्थ है स्वतः और मोबाइल का अर्थ है चलने वाले यानी स्वतः चलने वाला जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑटोमोबाइल जैसे कार जीप बस ट्रक जी, मोटरसाइकिल इसमें क्या इंजन लगा रहता है और उसके द्वारा चलता है स्वतः चलता है उसमें आदमी का स्पेशल फिर से पीछे से धक्का मारने की कोई ज़रूरत नहीं ना होती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्वतः चलने वाला ओके तो इसको हम लोग दो पार्ट में बाते थे कौन कौन मुख्य भाग कौन कौन सा मशीन भाग और बॉडी कैरेज भाग जिसमें जो मशीन भाग था वो हम पिछले दो वीडियो में करा चुके थे मशीन भाग में क्या क्या था चेचिस और ट्रांसमिशन जो फर्स्ट वीडियो में था दूसरा इंजन और तीसरा विद्युत सिस्टम तो ये दोनों हम एक वीडियो में कराए थे और चेचिस और ट्रांसमिशन एक वीडियो में कराए थे ओके और आज का ये ये जो वीडियो वो है वो तीसरा है जिसमें हम लोग बॉडी या कैरेज भाग देखेंगे ओके तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं ये सब हम लोग देख चुके थे चेचिस वाला और इंजन क्या है ये एकदम जो सेकेंड वीडियो था उसमें झमा झम वाला फील लेके देखे थे कि इंजन क्या है और ये कैसे काम करता है और गाड़ी के जो इंटरनल पार्ट हो गया जैसे कूलिंग सिस्टम हो गया लुब्रिकेशन सिस्टम हो गया ये सब कैसे काम करता है वो सब हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका प्ले लिस्ट है नीचे डिस्क्रिप्शन में इंजन पार्ट्स वाला में और एक बात और आप लोगों को हम बता दें कि हर एक वीडियो का अलग अलग प्ले, प्ले लिस्ट बना हुआ है यानी कि घर बना हुआ है चार घर बनाए हैं जिसमें पचास नंबर कंप्लीट है एक एक में तो इंजन पार्ट्स हो गया दूसरा में आपका हो गया क्या प्रैक्टिस सेट और तीसरा हो गया यातायात संकेत और चौथा में जो ए, मोटर वाहन अधिनियम है वो हो गया चारों सेट है आप लोग एकदम जाके बहुत सारे वीडियो अपलोडेड है उसमें और प्ले बना हुआ है वो एकदम जाके झमाझम जहम तरीके से वो वीडियो देख सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं तो ये सब हम देख चुके थे फिर जैसे ये देखिए इंटरनल पार्ट में ये फ्यूल टैंक है यहाँ से फ्यूल डाला जाता है उसके बाद यहाँ इंजन तक पहुँचता है यहाँ इंजेक्टर लगा रहता है अगर यही पेट्रोल इंजन रहेगा तो यहाँ पे स्पार्क प्लग लगा रहता है तो आज हम लोग जो सेकेंड पार्ट है ऑटोमोबाइल का वो कौन सा है तो वो है ए, सिकेंड पार्ट क्या है बॉडी या बॉडी या कैरेज भाग ओके तो ये देखते हैं बॉडी का वह भाग जिसमें यात्री बैठे बैठते हैं या सामान रखते हैं उसे बॉडी कहते हैं किसका गाड़ी का बॉडी ओके बॉडी धातु लोहे या फाइबर की बनी होती है होते है, मिक्स बने होते हैं कहीं पे फाइबर रहता है कहीं पे लोहे रहता है जहाँ मतलब देखा जाता है कि हैवी लोड यहाँ पड़ने वाला है वहाँ पे क्या वहाँ पे लोहा दिया जाता है और जहाँ देखता है कि गाड़ी सॉप के लिए है तो मतलब ज़्यादा लोड उस पर नहीं पड़ेगा तो वहाँ पर फाइबर दे काम चलाया जाता है क्योंकि देखिए कोई भी कार डिजाइनर एक पार्टिकुलर वेट तक ही गाड़ी को रखना चाहता है ये नहीं कि मान लीजिए एक छोटा कार है उसमें केवल मजबूती के लिए केवल लोहा लोहा दे दिए और इतना मजबूत बना दिए जो उसका इंजन पंद्रह साल में ख़राब हो गया और वो गाड़ी का जो भाग है वो ए उसका लाइफ पचास साल है ऐसा नहीं ना सब कुछ देख के गाड़ी का जो डिजाइनिंग है वो किया जाता है क्या देख के सब कुछ यानी कि सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि जो गाड़ी के अंदर जो इंजन लगा रहता है इंजन वो कितना दिन मान लीजिए बीस साल है तो पच्ची बीस साल अगर गाड़ी का इंजन चलेगा तो उसका जो बॉडी का लाइफ रहता है वो पच्चीस साल तक दिया जाता है एक्स्ट्रा पाँच साल क्लियरेंस के, के तौर पे दिया जाता है क्योंकि वो बाहरी वातावरण में रहता है और इंजन तो अंदर रहता है ना इसलिए तो वो सब देख के तब गाड़ी का डिज़ाइनिंग किया जाता है ये नहीं कि ये गाड़ी का इंजन बीस साल चल रहा है और उसका जो बाहरी पार्ट है वो पचास साल के लिए ऐसा नहीं तो वो सब मतलब मुख्य फैक्टर रहता है चलिए देखते हैं हम लोग तो बॉडी क्या है ये आप लोग समझ गए उसके बाद देखिए जो कार के इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट एक्सटर्नल पार्ट है जो कार के बॉडी है वो देखते हैं सबसे पहले देखिए रूप रूप ये है ना छत जिसको बोलते हैं ये है उसके बाद वाइपर देखिए वाइपर यहाँ पे है ना उसके बाद देखिए मिरर मिरर है उसके बाद क्या है विंड विंड स्क्रीन विंड स्क्रीन ये है देख रहे हैं ना इसको हम लोग क्या कहते हैं विंड स्क्रीन कहते हैं इंपॉर्टेंट है ये ओके उसके बाद हुड इसको क्या बोलते हैं बहुत मतलब इसको हुड बोलते हैं ओके उसके बाद देखिए हेडलाइट हेडलाइट है ना उसके बाद फ्रंट बम्फर है ना ये देखिए ये फ्रंट बम्फर है उसके बाद देखिए क्या है फ्रंट बम्फर उसके बाद टायर टायर और व्हील है उसके बाद देखिए रियल रियल बम्फर है उसके बाद तेल लाइट भी है डोर भी है विंडो भी है तो ये देखिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपको क्या करना है बार बार देखना है ताकि ये आप लोगों के माइंड में ए, मतलब आ जाए ऐसे तो माइंड में ही रहता है ये कोई ऐसा ड्राइवर नहीं है जो ये सब के बारे में नहीं जानता है लेकिन नाम अलग अलग रहता है तो ये देख लीजिए ऑफिशियल नाम है जो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको बार बार देखते रहिएगा ओके चलिए देखते हैं एक एक करके जे आखिर ये सब है क्या इसका क्या काम है चलिए स्टार्ट करते हैं व्हीकल की बॉडी का बॉडी उसके उपयोग के आधार पर बनाई जाती है वही हम बताएं जो व्हीकल का बॉडी है जो उसके उपयोग के आधार पर बनाई जाती है ये नहीं ना कि ट्रक है उसमें जाके सीट लगा दीजिए आदमी बैठने के लिए उसको तो ट्रक है तो उसमें क्या आदमी को एक वहाँ से आदमी का जो पर्पस रहता है वो एक जगह से ट्रक में क्या दूसरे जगह क्या ले जाना सामान ले जाना रहता है लेकिन अगर वही क्या ए, अगर बस रहता है तो वहाँ पे क्या आदमी के साथ साथ सामान भी ले जाना रहता है ओके तो वहाँ पे मतलब हर एक ए, कार का हर एक जो वाहन है उसका डिजाइन और बॉडी अलग अलग शेप और साइज में रहते हैं ओके उसके बाद देखिए क्या है जिसमें बॉडी एवं चेचिस मिलकर एक संपूर्ण व्हीकल बनाते हैं सही बात है चेचिस जो बॉडी पूरा बनना रहता है वो कहाँ लोड रहता है उसका चेचिस पे रहता है और चेचिस कहाँ चारों जो व्हील रहता है जो जितना भी व्हील रहता है उस पर डिस्ट्रीब्यूट करता है ओके तो ये सब ये क्या पूरा व्हीकल मतलब वाहन बनाता है ओके इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट मतलब है वो हम लोग देखते हैं क्या क्या व्हीकल इंजन हो गया एयर क्लीनर हो गया बैटरी हो गया स्ट्री स्ट्रिंग व्हीकल हो गया गियर लिवर हो गया कार बॉडी हो गया डिफरेंशियल हो गया शॉक ऑब्जर्वर हो गया फ्यूल टैंक हो गया इस सब के बारे में बारी बारी से देखेंगे ये मत सोच लीजिएगा सर आप केवल नाम बता रहे हैं नाम कौन नहीं जानता है तो हम आप लोगों को बता दें कि इसके बारे में एक एक करके देखेंगे ओके लाइट हो गया रियल ब्रेक हो गया उसका व्हील एवं टायर हो गया टे उसके बाद आप लोग ये भी बोले होंगे सर ये ऊपर ऊपर बता रहे इसमें से एक एक चीज़ हम देखेंगे एक्सटर्नल पार्ट पार्ट यानि कि जो बाहरी भाग है गाड़ी का बॉडी का है वो भी देखेंगे और इंटरनल पार्ट और उसका वर्किंग प्रिंसिपल भी देखेंगे यानी कि कार्य सिद्धांत भी देखेंगे ये नहीं कि जो सिंपल भाषा में उड़ा दिए ऐसा नहीं है देखिए सबसे पहले तो हम आप लोगों को बता दें कि जे हम ये सोच रहे हैं कि आप लोगों को के पास अगर नॉलेज प्रैक्टिकल व्यू में हो जाएगा ना तो एक अलग तरह के आप नॉलेज गेन कर लीजिएगा कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो वो आप अलग ही तरीका से मतलब सॉल्व कीजिएगा मतलब ये नहीं कि जो रट के जाना है फिर वहाँ पे हवा हवा दिखेगा जी ए लगाए कि बी लगाए भूल गए सी लगाए वैसा नहीं होना चाहिए आप लोग एकदम जैसे हम इंजन वाला पार्ट्स इंजन कैसे काम करता है वो प्रैक्टिकल व्यू में बताए उसके बाद थ्योरी भी बताए उसके बाद क्वेश्चन भी लगवाए हैं तो ये सब क्लियर होता है कहाँ तो हमारा जितने भी वीडियो अपलोड होता है वहाँ पर तो आप लोगों को बस हमारे साथ बने रहना है चलिए यहाँ तक दे व्हील वी... वी... एवं टायर हो गया उसके बाद तेल पाइप हो गया लिफ स्प्रिंग हो गया रियल एक्सल हो गया साइलेंसर हो गया यूनिवर्सल ज्वाइंट हो गया हैंड ब्रेक लेवल हो गया एग्जॉस्ट पाइप हो गया क्लच हो गया उसके बाद क्या है ए... ट्रैक रर हो गया कार्बोरेटर हो गया ये ये इंपॉर्टेंट है कार्बोरेटर कहाँ लगा रहेगा केवल और केवल केवल और केवल पेट्रोल इंजन में ओके अंदर से फीलिंग आना चाहिए जैसे ही बोले केवल और केवल तो आप लोग बोलिए पेट्रोल इंजन यानी कार्बोरेटर का क्या काम है एयर और फ्यूल का मिक्स करना कहाँ पे पेट्रोल इंजन में पेट्रोल और एयर को मिक्स करके सक्शन का जो प्रोसेस रहता है इंजन के अंदर वहाँ पे क्या करता है भेज भेजते हैं क्या कार्बोरेटर मिक्स करके ओके चलिए डिस्ट्रीब्यूटर हो गया रेडिएटर हो गया पंखा हो गया हेडलैम्प हो गया अल्टरनेटर हो गया ये सब क्या है जो वाहन का है जो इम्पोर्टेंट मतलब जो इतना चीज़ इम्पोर्टेंट इसमें भी बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो स्वप के चक्कर में लोग लगवाते हैं लेकिन एक वाहन में इतना चीज़ ज़रूरी है ओके एक बार देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका क्योंकि इतना चीज़ ना रहेगा तो वाहन नहीं चलेगा ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहे हैं ट्रक कंटेनर जैसे बड़े बड़े व्यापारी व्हीकल में चेचिस और वॉडी दोनों अलग अलग होते हैं ट्रक कंटेनर में देखते हैं ना कभी कभी ट्रक का इंजन अलग रहता है कंटेनर उस पर अलग से जा ला के लगाया जाता है ओके जैसे वही कंटेनर कंटेनर को मालगाड़ी से लाते हैं और वही कंटेनर को क्या करते हैं क्रेन के माध्यम से ट्रक में सेट करते हैं ताकि एक जगह से दूसरे जगह रोड के माध्यम से जाए तो ये ज़्यादा दूर दूर से सामान आता है ना उसके लिए है तो वही यही गाड़ी के बारे में यहाँ बताया गया है दोनों अलग अलग बनाए जाते हैं तथा बाद में दोनों को बेल्ट रबर एवं बेल्डिंग के माध्यम से जोड़ दिया जाता है ताकि व्हीकल के चलने चलने पर उत्पन्न होने वाली कंपन आवाज कम से कम हो मतलब इस तरह उसको फिटिंग किया जाता है ये ना, ना जो ढीला मान लीजिए मालगाड़ी से वो बड़ा बड़ा जो टैंकर होता है वो आता है और ये ए अपना ट्रक पे उसको सेट किया जाता है और उसको ढीला कर दिया वो बार बार आवाज़ करेगा और खतरनाक भी साबित हो जाए अगर सही से वो कसा नहीं रहेगा तो रोड पर चलते मात्र और कंटेनर कहीं उड़ गया तो बहुत सारा जान की जानमाल की क्षति हो जाएगी तो ये सब ध्यान रखते हुए उसको अच्छे से या तो बेल्डिंग कर दीजिए या नहीं तो पोर्टेबल रहेगा तो उसको बेल्ट या रबर से कस के टाइट कर दीजिए ताकि मतलब इस तरह टाइट कीजिए ताकि वो गिरे ना ओके उसके बाद देखिए एक एक करके देखते हैं क्या है विंड सेल या बैक विंडो ओके इस आकृति वक्र मतलब इसकी इनकी आकृति वक्र यानी कि वक्रा वक्र आकार में होता है आके थोड़ा गोलाई में मतलब वक्र आकार तो होता है लेकिन थोड़ा गोलाई आकार में भी होती है ओके okay, क्योंकि इसमें हमारी दृश्यता अच्छी हो जाती है क्योंकि ये वृत्ताकार और थोड़ा गोलाई आकार की होती है ना तो जो अपना जो मतलब देखने की नज़रिया है दृश्यता है वो अच्छी हो जाती है तथा ज़्यादा प्रका प्रकाश ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं होते यानी कि जो सा मान लीजिए रात में आप वाहन चला रहे हैं तो ऐसा भी वाहन को सामने वाला लाइट अगर उधर से भी गाड़ी आ रही है इधर से भी गाड़ी जा रहा है तो क्या होगा कि उसमें एक्सीडेंट हो जाएगा रिफ्लेक्शन ज़्यादा रहेगा तो इसलिए मतलब इस तरह के विंडशील्ड या बैक विंडो लगाया जाता है इस आकार में कि जो प्रकाश का रिफ्लेक्शन हो वो मतलब ज़्यादा ना हो ओके ताकि हम लोग एक्सीडेंट से बचे ओके उसके बाद देखिए इसके ऊपर वाले भाग में लगे होते हैं यानी कि इसके ऊपर वाले भाग में भी वो जो प्रकाश मतलब रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं तो वो सब ऊपर से लेप दिया जाता है ऐसा ताकि प्रकाश रिफ्लेक्ट ना हो ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं सीटें इस इनका प्रयोग यात्रियों के बैठने के लिए किया जाता है और यह फोन नहीं ये फोम होगा ओके फोम का फोम से बनी होती है और जिनके ऊपर कवर लगाया जाता है ओके तो ये क्या चीज़ का बनी होती है तो ये फोम की बनी होती है फोम जानते हैं ना जो एकदम मतलब नहीं सीट कभी कभी फटा हुआ देखे होंगे उसमें फोम लगा रहता है और उसके ऊपर क्या कवर लगा रहता है वही सीट कहलाता है ओके उसके बाद देखिए बोनट जिसको हम लोग बोनट का बोल अगला जो हुड रहता है उसको क्या बोनट ही बोलते हैं ना मतलब क्या जब गाड़ी ख़राब हो जाता है कोई मैकेनिक के यहीं हाँ जाते हैं तो सबसे पहले क्या बोलता है कि जब आप अपना बोनट उठाइए बोनट एक पूरा मतलब सिंगल आकार का बना होता है कैसे देखिए ये हम बता रहे हैं पहले ये सब देखिए ये सब देखना ज़रूरी है हुड यह है ना बोनट पूरा एक आकार में होता है पूरा और यही पूरा इंजन का जितना भी जो पार्ट्स जो मुख्य मुख्य पार्ट्स है जो इसी के अंदर रहते हैं कूलिंग सिस्टम वगैरह सभी का ओके चलिए देखते हैं क्या है तो यह एक सिंगल पीस का बना हुआ होता है यह आपको इंजन कंपार्टमेंट की बाहरी चीज़ों बाहरी चीज़ वातावरण से वातावरण से बचाता है यानी कि इंजन का जो कंपोनेंट वगैरह अंदर होते हैं तो उसको ऐसे ही खाली छोड़िएगा तो बहुत तरह के नुकसान हो जाएगा और एटमॉस्फेयर में भी छोड़ दीजिएगा बारिश हो गया कुछ हो गया तो बहुत तरह के नुकसान होगा तो ये सब जो हुड है बोनट है उसको क्या बचाता है ताकि उसमें अगर बारिश हो तो जंख ना लगे और बहुत तरह के प्रॉब्लम हो मतलब मान लीजिए कुछ गिर गया गाड़ी पे तो बोनट पे गिरेगा तब जाके इंजन अगर ज़्यादा उस पर लोड पड़ेगा तब इंजन को क्षति पहुँचाएगा लेकिन सबसे पहले क्या बोनट को पहुँचाएगा तो बोनट तो आ, हम लोग इजिली चेंज कर सकते हैं लेकिन कोई गाड़ी का इंजन आपको बोलेगा चेंज करने के लिए तो वो तो मतलब उतना संभव नहीं ना होता है क्योंकि इंजन चेंज मतलब कि गाड़ी चेंज हो गया ना पूरा जो गाड़ी टिका रहता है वो इंजन पे ही टिका रहता है ना उसके बाद देखिए क्या है डिग्गी डिग्गी क्या है जो इस इसमें हैंडल लगे होते हैं जिसमें जिससे इसे ओपन या क्लोज किया जाता है मतलब डिग्गी में क्या पीछे अभी तो क्या अभी के नया मॉडल का डिग्गी अलग ही आता है जो ड्राइवर ही वहाँ बटम सेंसर लगा के वो कर दिया गया है कि ये ड्राइवर चाहेगा तो वो खुल जाएगा और ड्राइवर चाहेगा तो वो ए, क्लोज और ए, बंद हो मतलब खुल भी जाएगा और बंद भी हो जाएगा ओके तो वही देखिए यही बोल रहा है आजकल ऑटोमेटिक डिग्गी भी आती है जो अपने आप फुल एवं बंद हो जाती है इसका उपयोग हम सामान रखने के लिए करते हैं यानी कि डिग्गी डिग्गी जैसे डिग्गी में क्या लोग सामान ही रखते हैं ना तो लोग सीट पे बैठ के जाते हैं लेकिन डिग्गी में क्या वो अपना सामान रखते हैं ओके और ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा जब हाई रेसिंग कार रहती है ना तो उसमें डिग्गी एकदम मतलब ना ही रहता है डिग्गी क्योंकि उसमें केवल आदमी बैठने के लिए उसमें हम लोगों को स्पीड ज़्यादा चाहिए टॉर्क ज़्यादा नहीं लेना पड़ता है उसमें स्पीड जितना रहेगा तब तो ना आगे बढ़ेगा तो इसलिए उसमें डिग्गी नहीं रहता है ओके चलिए इसके देखते हैं पहले <coughs> किसी भी मोटर व्हीकल की बॉडी की विशेषता वजन में हल्की होनी चाहिए यानी कि बॉडी ये बोला है बॉडी की विशेषता बॉडी ऐसा मतलब देखिए कोई भी कार डिज़ाइन होता है तो वो पहले ये मतलब तय कर लिया जाता है कि जो पूरा ओवरऑल वेट होगा गाड़ी का वो कितना होना चाहिए अगर वो नहीं तय होता है तो मान लीजिए इतना भारी गाड़ी हो जाएगा कि आप मतलब कहिएगा जो भारी भरकम गाड़ी है लेकिन वही आज ज़्यादा हल्का भी नहीं होना चाहिए अगर हल्का होगा तो क्या होगा मान लीजिए सात सत्तर की स्पीड जाते जाते वो ऐसा लगेगा कि जो वो हवा में उड़ने लगा तो इसलिए उसका जब गाड़ी डिजाइन किया वाहन डिजाइन किया जाता है कोई भी कार हो या कोई भी तो एज ए डिजाइनर इंजीनियर ये सबसे पहले सोचता है कि उसका वेट कितना होना चाहिए उसको हम लोग किस पर्पज से यूज कर रहे हैं जैसे स्विफ्ट डिजायर हो गया उसको हम लोग सामान भी ले जाते हैं ना ही वो रेसिंग कार है और ना ही सामान ले जाने वाले वो बीच का है यानी बीच का कहने का मतलब उसमें आदमी भी जाता है और थोड़ा बहुत जो आदमी का सामान रहता है वो भी चला जाता है लेकिन वही आप फरारी ले लीजिए तो फरारी किस पर्पज़ से बनाया जाता है फरारी इस पर्पज से बनाया जाता है कि वो हाई स्पीड कार है यानी कि उसमें ये नहीं मायने रखता है कि आप कहीं टूर पे जा रहे हैं तो आपको सामान ले जा वो जब बनाते हैं वो इंजीनियर जब सोचे कि हमें क्या चाहिए हमें हाई स्पीड कार मतलब ए, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड मिले ओके और यही कारण है कि वो महंगा गाड़ी है ओके तो ये सब मतलब जो ए, कार डिजाइनर रहते हैं वो सब सोच लेते हैं जो पहले किस पर्पस के लिए गाड़ी बनाते हैं और उसके अनुसार उसका वेट मतलब तय करते हैं कितना वेट होना चाहिए ओके चलिए देखते हैं सेकेंड क्या है उसके बाद क्या है अव्यव कंपोनेंट कम से कम होना चाहिए वही बात है ये नहीं ना जो कंपोनेंट पे कंपोनेंट कंपोनेंट पे मैकेनिज्म पे मैकेनिज्म मैकेनिज्म पे मैकेनिज्म नहीं लगना चाहिए ओके मतलब ज़्यादा मतलब ऐसा ना जो लटकंपू गाड़ी लगे वैसा नहीं होना चाहिए आकार व रंग हमें आकर्षित करने वाला होना चाहिए ये भी मायने रखता है क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी वाहन खरीद के या कार ही खरीद के लाता है तो वो ये भी देखता है सबसे पहले इंजन जाए भार में अंदर क्या है क्या नहीं वो बाद की बात है सबसे पहले ऐज ए ड्राइव वो तो इंज इंजीनियर का काम है जो आप सोचो जैसे हमारे जैसे लोगों का काम है कि वो सोचेंगे जो क्या करना है क्या नहीं करना है जो इंजन मतलब कैसे पावरफुल बने लेकिन अगर कोई ड्राइवर जाएगा या कोई आदमी जाएगा तो वो क्या सोचेगा कि देखने में भी आकर्षित होना चाहिए ऐसा ना कि जे, वो, मतलब ये वो हो जाना चाहिए थोड़ा देखने में अच्छा लगना चाहिए ता, ताकि कोई कार देख के मतलब अच्छा बड़ाई करे ये वाला बात है समझे तो वही है कार का रंग एवं आकर्षित कार आकार रंग आकर्षित होना चाहिए उसके बाद वायु प्रतिरोध कम होना चाहिए वायु प्रतिरोध मतलब जैसे वायु प्रतिरोध यानी कार उसका जो मटेरियल का बना हुआ है मान लीजिए गाड़ी तो कभी वर्षा में भी रहेगा धूप में भी रहेगा कुछ भी रहेगा तो उस पर उसका प्रकोप नहीं ज़्यादा आना चाहिए ओके नहीं तो ऐसा ना हो कि जो वायु प्रकोप ज़्यादा हो जाए ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है नंबर फाइव बॉडी बॉडी में यात्रियों तथा सामान के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए यानी पर्याप्त स्थान मान लीजिए फोर सीटर का कार बन रहा है तो उसमें चार लोगों के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए मतलब आराम से वो बैठ सके ये होता है कि अगर कोई भी आदमी कोई गाड़ी लेता है तो वो आराम से एक जगह से दूसरे जगह यात्रा करने के लिए लेता है न कि वो मतलब कोचा के जाए ऐसा ना, ना आरामदायक मतलब गाड़ी ज़्यादा मार्केट में क्यों डिमांड हो जाता है कोई कोई गाड़ी का ज़्यादा डिमांड हो जाता है कोई कोई गाड़ी मार्केट में लॉन्च होता है लेकिन उसका डिमांड नहीं क्योंकि वो मतलब कार वगैरह ज़्यादा मतलब डिमांडेबल रहता है जिसमें सब ध्यान सारा फैक्टर ध्यान रखा जा जाता है मतलब इंटरनल भी यानी कि इंजन भी और एक्सटर्नल यानी कि बॉडी में उसमें अगर कोई यात्रा कर रहा है तो ज़्यादा दूर तक चले तो वो थके नहीं ये सब फैक्टर उसमें ध्यान रखा जाता है तब जाके वो कार मतलब मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा उतरता है ओके उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है बॉडी का डिजाइन इस तरह होनी चाहिए कि चाहिए कि यात्री तथा सामान खराब मौसम में भी सुरक्षित रहे ये भी इम्पोर्टेंट है मौसम खराब है बारिश हो रहा है और ऐसा आप बना दीजिएगा कि अंदर तक पानी जा रहा है तो वो सही नहीं ना रहेगा तो ये भी सही बात है उसके बाद सेवन नंबर क्या बोला है बॉडी का बॉडी की डिजाइन इस प्रकार होनी चाहिए कि नमी का उस पर जमाव ना नहीं हो यानी कि जो नीचे का जो जम नमी रहता है जमीन का वो मतलब डिजाइन इस प्रकार होना चाहिए कि जो नमी का है उस पर कोई असर न पड़े ओके तो ये सब है हमारी जो बॉडी की विशेषता होना चाहिए एज ए कार डिजाइनर मतलब जो कार डिजाइन करता है वो सबको इसका भी ध्यान रखना पड़ता है इंजन के साथ साथ ओके इंटरनल पार्ट के साथ साथ ये सब क्या हो गया एक्सटर्नल पार्ट में आ जाता है बॉडी में आ जाता है ओके तो यही है नेक्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे प्रोपेलर साफ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ओके okay. जिसमें हम लोग ये दे जैसे पावर ट्रांसमिशन सिस्टम एक हम एकदम प्रैक्टिकल व्यू में समझाए थे जो इंजन से कैसे पावर मिलता है उसको क्लच तक कैसे ले जाते हैं जैसे ये देखिए क्लच है उसके बाद ट्रांसमिशन यानी गियर है गियर के बाद प्रोपेलर साफ्ट के माध्यम से डिफ्रेंशियल तक ले जाते हैं और डिफ्रेंशियल दिफ्रे, के बाद यहाँ पर एक्सल देखिए रियल एक्सल एक्सल दोनों साइड लगा रहता है उसके माध्यम से यहाँ दोनों चक्का तक पहुँचाते हैं तब जाके अपना वाहन चलता है तो यही सब के बारे में देखिए एकदम ऐसा ऐसा मतलब इमेज डाले हैं ना जो प्रैक्टिकल व्यू और प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों व्यू में समझाएंगे ऐसा नहीं है कि मतलब हवा में उड़ा दिए केवल आपको परिभाषा नहीं देना है ऐसा आपको दिमाग में डाल देना है कि जिंदगी भर याद रहे ओके जब जब आप प्रोपेलर साफ़्ट देखिएगा तो आपको दिमाग में ये नचने लगेगा कि हाँ हाँ यहाँ पर लगा रहता है ओके तो इस वीडियो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कहाँ से देखेंगे प्रोपेलर साफ्ट ओके तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के धन्यवाद और ये एक बात और हम आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वेल आइकन को दबा ले ताकि जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंचे और आप उसका ए, ए, मतलब लाभ उठाएं ओके और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा थैंक यू